अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो। तो अभी हम एक शादी से आए थे फैसलाबाद से, जैसे आपको पता ही है। तो अब हमने अपना बैग समेटना था, आते साथ मेरी इतनी शदीद तबीयत खराब हो गई ना कि कुछ पूछा मैंने कुछ मैं बता नहीं सकती। तो बस अभी थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, तो हमने कहा जरा अपनी पैकिंग समेट ले। और हाथ ने इतने रफ हुए हैं ना इस मेहंदी की वजह से, स्टार्टिंग में तो बड़ी अच्छी लगती है, एंड में ना हाथ बहुत रफ रफ हो जाते हैं। तो अब हो रही है घबराहट हाथों पे कि अभी उतर जाए। ठीक है, समझ गया। और ये थी हमारी पैकिंग। ये बेड का हाल है, देख के भी घबराहट हो रही है। वो भी एक बैग पड़ा हुआ है। ये सारी मेरे कमरे की हालात है, ये फिर बेहतर है जगह, लेकिन इस जगह के हालात देखने लायक नहीं है। तो मतलब मुझे काफ़ी दिन से डांट पिट रही थी, समेट लो समेट लो समेट लो, तो तबीयत सेट नहीं थी तो मैंने नहीं समेटा। अब ज़रा सेट हुई है तो मैंने कहा ज़रा अपनी कमरे की हालत दुरुस्त करें और दूसरी शादी की तैयारी करें, क्योंकि वो भी आ रही है एक दो दिन में। तो अभी ये समेटते हैं और चलो मेरे साथ पैकिंग समेटो। और इसमें अभी पता नहीं कौन कौन से कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े। हाय, चलो इसको मेरे साथ आओ मिल के समेटें और फिर नेक्स्ट शादी की तैयारी करें। मैंने ये तो खाली कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे और ज्यादा गन मच के, लेकिन फाइनली मैंने ना ये खाली कर दी है। यार अभी इसमें पता नहीं किस किस के कपड़े थे, कुछ मेरी एक फ्रेंड के थे, कुछ किसी के थे। फाइनली मेरी वार्डरोब मैंने समेट ली है सारी। अब बस ये जूतियाँ रखी अलमारी में, ये सारी मैंने समेट लिया। आय हाय हाय, इसको भी समेटा हुआ देख के ना जो दिल को खुशी मिलती है ना बंदा बता नहीं सकता। और ये पता नहीं मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये जगह नहीं समेटी जा रही मेरे से। हाय, मम्मा की हेल्प लेनी पड़ेगी यार, ये मेरे एक दोस्त को चाहिए, हम उसके लिए भी पैक करते हैं सूट, और ये दोस्त का देना है उसको। मम्मा कपड़े ये मैंने इसमें इसलिए रखी हुई है कि जब मैंने सूट पहना मैंने इसके साथ मैं शॉल लेती हूँ ना, तो इसका सारा जो रेड रेड है ना मेरी सारा सूट पर लग जाता है। कोई सजेशन दो कि मैं पहनूं और मैं सूट पे ना लगे, क्योंकि जब ये सूट पे लग जाते ना इतना ज़्यादा चिपक जाता है ना कि उतरता नहीं है। मैं आपको ट्रायल करके दिखा सकती थी लेकिन चिपकता बहुत बुरा है, तो ट्रायल भी नहीं बनता इस चीज़ के लिए। यार ये कॉल फ्रॉक है, मुझे इतना प्यारा लगा ना पहन के, बल्कि मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, इतना प्यारा है। मैं सोच रही थी किसी एक शादी पर ये भी पहन सकती हूँ, अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। मैं सोचा था ये मैं सूट भी पहन सकती हूँ क्योंकि मैंने ये खुला कराया था, मुझे बड़ा प्यारा लगा था सूट। पहले तो नहीं पहना, पहले पता नहीं बहन का था शायद ये, लेकिन मुझे बहुत प्यारा सूट लगा था। इसमें सोचिए मैं मोटी लग रही हूँ और कुछ नहीं है, सूट बहुत प्यारा लग रहा था। इस एंगल से देख रहा इधर तक सूट बहुत कमाल का लग रहा है, नहीं नीचे से भी प्यारा लग रहा है, और ये अब रखा है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। मैं तो सोच रही हूँ मैं ये भी पहन सकती हूँ क्योंकि प्यारा है, तो हम ये पहन लेंगे। और बस अभी हम बाकी ज़रा अब फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो के फिर आपको मिलते हैं। और मेरा कमरा मैंने सारा समेट लिया, इसकी बिफोर और आफ्टर तो आपको देख के लग ही रहा होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा समेटा। ये भी समेट के यार, ये भी डन 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 डन, मैं कितनी परफेक्ट हूँ यार। अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, इसका मतलब ये, और नहीं करना चाहो तो नहीं भी करती। खैर अभी हम ज़रा अपना लुक फ्रेश करें। और यार मैंने ज़रा चेंज वगैरह कर लिया था, ज़रा जैकेट उतारी थी और मैंने कहा इंसानों वाला लुक हो, ये था मेरा लुक। मैं इसके साथ की यार शॉल नहीं की थी क्योंकि ना वही देखो सारे धागे, मैंने हल्की सी करने की कोशिश की, सारे धागे 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 इसके साथ रेड रेड लग गए, फिर मैंने अंदर रख दिया और मैं रेडी हो गई, मुँह धोया बाल बांधे रेडी। खाना बन रहा था सैंडविच, ठीक है, और ये साल मैंने इसकी एजेस कट की थी क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को खिलाने थे, तो मैंने कहा वो एक प्रेजेंटेशन भी तो होती है ना, वो भी दिखानी होती है, तो ज़रा मैंने
सारा काट के ज़रा अच्छे तरीके से मैंने करके ना उसको बना के दिए थे। उस टाइम मेरा ना फ़ोन नहीं चार्ज था तो मैं उसकी क्लिप नहीं बना सकी, लेकिन मैंने वाकई कसम से अच्छे बनाए थे। खैर अभी बस हमें लेट हो रहा है, ये मम्मा को देते हैं, वो खाती हैं और फिर हम चलते हैं, बहन को लेना है, फिर आपको मिलते हैं रास्ते में। तो यार अभी हम रास्ते में थे और हम जा रहे थे और लाहौर में तो निकल जाओ बस इतना टाइम लगता है ना कहीं भी जाने पे। तो अभी हमने बहन को लेना था, फिर हमने एक बाग पार्क टाइप जगह थी वो भी देखनी थी कि आपको पता ही आगे शादी आ रही है तो उसके लिए ज़रा होता है ना कि मेहंदी वगैरह करनी है तो ज़रा आप कोई फार्म हाउस या कोई पार्क वगैरह देख लो जिसमें आप लेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो रश ही इतना था कि हमने कहा कहीं पहुँचेंगे तो फिर आगे जाएंगे ना। अभी बस हम फटाफट लेते हैं बहन को और फिर आपको वहाँ जगह पे जाके मिलते हैं हम लोग। यार अभी हमें एक जगह देखने आए हैं, बहुत प्यारी जगह लग रही है। अभी वैसे अंधेरा है तो इतना मतलब आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत काफ़ी बड़ा बाग है। इधर अगर जैसे मेहंदी करें ना बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो बहुत बहुत बड़ा। अच्छा वाह फुलाओ इसको, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा बड़ा बाग है, तो यहाँ भी हो सकता है इवेंट। और ये वो एंट्रेंस के अंदर कोई जगह बनाई हुई है, आ जाओ ईशा, वो एंट्रेंस की जगह बनाई हुई है, आगे भी काफ़ी बड़ी जगह, तो इधर ये इवेंट हो सकता है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी जगह मुझे तो लगी है, चलो बाकी देखते हैं और फिर अगली जगह जाते हैं। अभी मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगी है, मैं जैकेट उतार के वो पहन के आ गई हूँ, शॉल है, मुझे बहुत ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, देखते हैं फिर करते हैं। हाँ तो यार अभी मैं घर पहुंची हूँ और मेरी आंखों से देख के आप सबको लग रहा होगा मैं रोई हुई हूँ, लेकिन नहीं यार रोई नहीं हुई, जुकाम है उसकी वजह से ना, अब तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और ना मुझे सर में भी बहुत दर्द हो रही है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, और ऊंचा भी नहीं बोला जा रहा, खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, सब अपना ख्याल रखें, आजकल मौसम बहुत ख़राब हुआ है तो ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, ख्याल रखना।